हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है लीनियर इनक्वालिटीज़ पर। ये मेरा ये तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में आपको इजी लैंग्वेज में समझा चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स लीनियर इनक्वालिटीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं वो पिछले दोनों वीडियो देखे, उसमें मैंने जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। इसमें तीन इनक्वालिटीज़ आपको दे रखी हैं, इन तीनों इनक्वालिटीज़ को ग्राफ पर ड्रा करेंगे, फिर इनका कॉमन एरिया सॉल्यूशन स्पेस निकालेंगे और कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। देखो कैसे सोल्व करते हैं, आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आपको सबसे पहले जो लीनियर इनक्वालिटीज़ दे रखी है इसके अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन बनाता हूँ। सबसे पहली इक्वेशन इसमें बनती है 4x3 + 3y = 12 के। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ हम इजी निकाल सकते हैं जो एक्स और वाई एक्सिस को सेटिस्फाइड करती है। सबसे पहले एक्स को मैं जीरो लेता हूं, तो वाई की वैल्यू कॉमन सेंस की बात है क्या रखूंगा, 4 रखूंगा, ताकि ये 4 × 3 = 12 हो जाए और इस 12 को क्या करें, सेटिस्फाइड करें। इसी तरह से अब मैं वाई की वैल्यू जीरो ले लेता हूं, तो यहां पर एक्स की वैल्यू मैं 3 लूंगा तो इसका सेटिस्फेक्शन पॉइंट आ जाएगा। इसको 0, 4 और 3, 0 ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको मैं इसमें रखता हूँ इक्वेशन में, तो हमारी वैल्यू 12 आती है और हमारी ये इक्वेशन क्या होती है, सेटिस्फाइड होती है। इसके एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स बरा जीरो, और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसकी जो इक्वेशन बनेगी वाई बरा जीरो। आप जानते हो एक्स बरा जीरो वाई एक्सिस है और वाई बरा जीरो एक्स एक्सिस है। ये तो बिल्कुल ईजी है, आराम से आप इसको ड्रा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इनक्वालिटीज़ को ड्रा करने के लिए ग्राफ खींचते हैं। ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये इसका ओरिजिन पॉइंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4। तो जब हम इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो सेटिस्फेक्शन पॉइंट देखो कौन कौन से आ जाएंगे, एक्सिस पर 0, 4 है तो 0, 4 ये पॉइंट आ जाएगा, 0, 4 1, 2, 3, 4 और 3, 0 ये 3, 0 ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट को मैं मिला देता हूँ तो हमारी ये लाइन आ जाएगी 4x + 3y = 12। ये लाइन हमारी 4x + 3y = 12 जो है हमने ड्रा कर दी है, ठीक है। अब देखो एक लाइन हमारी है वाई एक्सिस की एक्स बराबर जीरो, ये हमारे पास एक्स बराबर जीरो है, तो यहाँ पर ये एक्स बराबर जीरो है ये वाली जो लाइन है, और ये जो है ये यहाँ पर जो है वाई बराबर जीरो है। एक्स एक्सिस को क्या लिखेंगे, वाई बराबर जीरो, ठीक है। अब देखो ये 4x + 3y < 12 दे रखा है, तो इसको सेटिस्फाइड करने के लिए मैं कोई भी एक पॉइंट, मान लो सपोज दैट मैं ओरिजिन पॉइंट इस पर रख के इसको सेटिस्फाइड करता हूँ, तो मैंने इसमें ओरिजिन पॉइंट रखा 4 × 0 + 3 × 0 < 12, तो 0 + 0 < 12, तो 0 < 12। तो मैंने देखा जो ये जो 0 है इसकी वैल्यू 12 से बिल्कुल कम होती है, ये बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ओरिजिन पॉइंट इसके सॉल्यूशन स्पेस को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इस लाइन का जो सॉल्यूशन स्पेस है वो ओरिजिन पॉइंट के साइड में हो जाएगा। और मैं एरो के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ओरिजिन पॉइंट के साइड में इसका सॉल्यूशन स्पेस होगा, ठीक है। तो सारा नीचे का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ये कम्प्लीटली सारा एरिया जो है इस इनक्वालिटीज़ का आ जाएगा, तो ये इनक्वालिटीज़ हो जाएगी। अब ये कह रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कह रहा है, इसका मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सबसे पहले वीडियो में, कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको रिप्रेजेंट हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट करता है, तो एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये राइट हैंड साइड में आप जानते हो ये जो एक्स बराबर जीरो है, वाई एक्सिस है, इसके राइट हैंड साइड में एक्स जीरो होता है और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्योंकि ये एक्स ग्रेटर देन जीरो कह रहा है तो राइट हैंड साइड का एरिया जाएगा, और अब कह रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो y देखो अपर साइड में पॉजिटिव होती है और इसके डाउन साइड में क्या होती है, नेगेटिव होती है x एक्सिस के ऊपर, और ये कह रहा है ऊपर की साइड में ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो मैंने देखा कि अलग अलग इनक्वालिटीज का एरिया अलग अलग आ रहा है, इसका एरिया नीचे आ रहा है, इसका एरिया राइट हैंड साइड में आ रहा है, इसका एरिया ऊपर आ रहा है। हमने देखा कि एक ऐसा एरिया है जो कॉमन एरिया है जो इसके सभी पॉइंट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे मान लो सपोज दैट इसका एरिया नीचे की तरफ आ रहा है, एक्स एक्सिस का एरिया ऊपर की साइड में आ रहा है, वाई एक्सिस का एरिया राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो मैंने देखा कि ये जो बाउंडेड एरिया हो गया ओ ए बी, मान लो ओ ए बी, ये बाउंडेड एरिया हो गया, और ये एरिया ऐसा है
जो सभी की सभी इनक्वालिटीज़ को, तीनों की तीनों इनक्वालिटीज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमारा जो सॉल्यूशन स्पेस आएगा ये बाउंडेड एरिया आ जाएगा। अभी इससे पहले जो मैंने आपको जितने भी इनक्वालिटीज बताई थी उनमें ये एक ही इनक्वालिटीज थी, इसलिए एक ही इनक्वालिटीज से अनबाउंडेड एरिया आता है सॉल्यूशन स्पेस का। अब ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ शेडेड एरिया, ये सॉल्यूशन स्पेस होगा आपका कॉमन रीजन, कॉमन एरिया, कॉमन एरिया ही हमारा जो है इनक्वालिटीज का सॉल्यूशन एरिया आता है। तो ये इसके कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से होंगे, कॉर्नर पॉइंट जो हो जाएंगे वो जाएंगे ओ, ओरिजिन पॉइंट 0 0 है ओ, और इसके बाद है ए, ए है 4 0, ए जो आया था अपना यहाँ पर ये 0 4 आया था, पॉइंट 0 4 आया, और ए जो है ये 3 0 आया था, 3 0, ये पॉइंट देखो 3 0 था, ये 3 0 था और ये 0 4 था, तो ए 3 0 ये कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे, और बी जो हो जाएगा वो 0 4 हो जाएगा, और ये बाउंडेड एरिया हो जाएगा। ये जो एरिया है ये ही हमारे इस इनक्वालिटीज का क्या है, सोल्यूशन एरिया है, और इस इनक्वालिटीज का जो सोल्यूशन है, आंसर है, वो भी ये बाउंडेड एरिया ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा इनक्वालिटीज़ को एक ग्राफ पर ड्रा करके उसका जो कॉमन एरिया आएगा वो कॉमन एरिया ही हमारा सॉल्यूशन स्पेस होगा। इस कॉमन एरिया, इस बाउंडेड एरिया के अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो सभी के सभी पॉइंट्स इन तीनों को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, वही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। और इस तरह से हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड करके इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जो बाउंडेड एरिया होता है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अनबाउंडेड एरिया में कंडीशन होती है कि किस कंडीशन में हम मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो भी आगे के जो है वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि कॉमन एरिया फाइंड करने का ये छोटा सा क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। मैं आपका जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो बिल्कुल 0 लेवल से कर रहा हूँ, बाकी इनक्वालिटीज़ में कोई हाई लेवल नहीं है। यदि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी समझ में आ गए तो आप इजीली इसके बड़े क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो मैंने 3 ही इनक्वालिटीज़ ली हैं। बहुत सारी जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें 3 से ज़्यादा इनक्वालिटीज़ हैं, उनके एरिया अलग अलग फाइंड करते जाओ, जो कॉमन एरिया होगा वही हमारा सोल्यूशन होगा, और उसी से हमारे क्या निकलेगा, कॉर्नर पॉइंट निकलेगा। तो सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो समझ में आया होगा, सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहे, एग्जाम बिल्कुल पास है, और लगातार वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स को, समय बहुत कम है ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और आप भी वीडियो को लगातार देखते रहें। सभी स्टूडेंट्स को अगेन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।